लोक कल्याण प्रचार प्रसार अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बनियापुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रहे सुमित गुप्ता को मिली जान से मारने की धमकी। पीड़ित गुप्ता ने बनियापुर थाने में लगाई प्राण रक्षा की गुहार। मैं सुमित कुमार गुप्ता, लोक कल्याण प्रचार प्रसार अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आज एकमा के सुरेंद्र राय जी के द्वारा हमें जान से मारने की धमकी दी गई है कि आप छपरा से लेकर तिलपा से लेकर डोरीगंज या आरा कहीं भी रहिएगा, आपको हम मरवा देंगे। मैं ये बात को लेकर अपने स्थानीय थाना बनियापुर में आवेदन दिया और बनियापुर के जितने भी प्रशासन के पदाधिकारी हैं उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि प्रशासन आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी, आपको थोड़ा भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं सबसे पहले बनियापुर थाने के जितने भी प्रशासनगण हैं मैं उन्हें अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे और मेरी हिफाजत के लिए आश्वस्त किए और हमारे साथ चलने के लिए तत्पर हुए। बनियापुर के सामाजिक कार्यकर्ता और बनियापुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रहे सुमित गुप्ता इन दिनों अपराधियों की आंखों की किरकिरी बन गए हैं। उनको एक अपराधी ने श्री गुप्ता को फोन कर जान मारने की धमकी दी है। पीड़ित ने इस मामले का ऑडियो क्लिप जारी करते हुए तथा थाने में लिखित आवेदन देने के साथ साथ पुलिस से अपने प्राण रक्षा की गुहार लगाई। दस गो आदमी छोड़ ले भी झांगा चौक पर से। महेश के नाम धरते रही। ठीक है, महेशो से कह दी है तेलपा वाला सुरेंद्र छोड़ ले दस गो लेके हमें बहुत बचा दे महेशो ओकरा के परमा राय के घर के लेके छोड़ ले से कह दी है। सुरेंद्र से बोलता नहीं? हाँ हम सुरेंद्र बोलता नहीं सुरेंद्र भाई। हाँ हम सुरेंद्र बोलता नहीं। अरे गजब हाल बा भैया, तो हम तो हित लो है, हमारा में कोनो गलती नहीं की। हेलो रुमित रुवा कहे के चाहिए कि रुवा सुरेंद्र राय बोला था, रुवा कहता नहीं कि हम हरेंद्र। हाँ हाँ तेरा के नाम तू है ना नहीं पता ही तो तेरा पिछड़ दस बोल रही का झांगा मोर से चल जाना से ध्यान दियो। अरे सुरेंद्र तेरा एक ही जवाब का मांग आओ तेरी झांगा मोर को। मिली जानकारी के अनुसार आगे आपको बताते चले कि पीड़ित के द्वारा ऑडियो क्लिप जारी करने तथा थाने में लिखित आवेदन देने के बाद अपराधी को जब यह मालूम चला तो उन्होंने खुद ही पीड़ित श्री गुप्ता के पास पहुंचकर माफी मांगने के साथ ही उन्होंने यह स्वीकार किया कि मेरी मानसिक संतुलन ठीक न होने की वजह से मैंने यह सब कुछ बोल दिया। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा देखिए। मैं सुरेंद्र राय, मैं जो भी किया जो भी बोला शर्मिंदा हूँ। आपको बताते चले कि धमकी देने वाले शख्स कोई और नहीं तेलपा के सुरेंद्र राय हैं। माफी मांगने के तत्पश्चात पीड़ित श्री गुप्ता ने उनको माफ किया और आगे क्या कुछ कहा आप देखिए। नमस्कार, मैं सुमित कुमार गुप्ता, लोक कल्याण प्रचार प्रसार अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आज जो पूर्व में हम बता चुके हैं कि एकमा के सुरेंद्र राय जी के द्वारा हमें जान से मारने की धमकी मिली थी, आज वो भाई खुद हमारे पास आए हैं और वो शर्मिंदा है, अपना दुख प्रकट किया हमारे पास और उन्होंने कहा कि मानसिक संतुलन गड़बड़ होने के कारण हम इस शब्द का प्रयोग किए हैं, आपके परिवार को आपकी माता जी को या आपको हम गाली दिए हैं, उसके लिए मैं काफ़ी दुखित हूँ, शर्मिंदा हूँ और मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं सुरेंद्र भाई को माफ़ करते हैं। न्यूज के माध्यम से अब आप पल-पल की खबरों से रहेंगे अपडेट। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और वीडियो अच्छा लगने पर इसे लाइक और शेयर जरूर करें।